अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक और इसका नाम है द नर्वस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। अच्छा, इसमें जो बातें लिखी हैं वो आपको समझाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहूँगी। और इसमें हम दो तरह की मूवमेंट्स पढ़ेंगे, एक इनहिबिटरी मूवमेंट और एक होगी एक्साइटेटरी मूवमेंट। अच्छा, ये मैंने ब्रेन बनाया है, ये इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया मैंने आपको इस एक छोटे से पार्ट का, और ये मैंने अपनी तरफ से स्केलेटल मसल्स और ये जो अलग अलग से सिलेंड्रिकल शेप्स के हैं ये उसके मैंने फाइबर्स बनाए। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको एक नर्व फाइबर आ रहा है, स्प्लाइक आ रहा है, वो डायरेक्ट ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। और मोटर यूनिट क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, अ सिंगल नर्व सेल एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट सप्लाइज, इट इज़ नोन एज अ मोटर यूनिट। तो ये सिंगल नर्व सेल और जितने भी मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है ये मिलकर एक मोटर यूनिट बन गया, ठीक है। अब एक और नर्व है वो ब्रेन से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के से क्रॉस ओवर करके, ठीक है, फिर जाके मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक सिंगल नर्व आ रही है एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट इज सप्लाइंग, ये एक और मोटर यूनिट हो गया। अब हमने हम 9th-10th से या उससे भी पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं एक रिफ्लेक्स मूवमेंट, वो ये कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हीटर पर लग जाता है, तो हम फ़ौरन उस अपने हाथ को जब हमें हीट फील होती है फ़ौरन उसको हम उठा लेते हैं, वापस हीटर से उठा लेते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और इसे कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो हम सोचे समझे बगैर मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे भी एक पूरा नर्वस कंट्रोल, उस मूवमेंट के पीछे पूरा नर्वस कंट्रोल है, ठीक है, जिसको हम पहले समझ लेते हैं इसी तरह ताकि बाकी बातें आपको अच्छे से समझ आ सकें। अब आपने हाथ रखा किसी एक हीटर पर, ठीक है, और आपको हीट फील हुई, आपके जो फिंगर के टेम्परेचर रिसेप्टर्स थे, ठीक है, उसको हीटिंग फील हुई और पेन फील हुई, ठीक है। तो अभी जो सिग्नल्स हैं यहाँ से रिसेप्टर्स ने वो हीट फील की सिग्नल्स यहाँ से नर्व फाइबर्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे गए, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर एरिया में जो कि सेंसरी एरिया है। फॉर एग्जांपल ये हाथ है, ये किसी गर्म चीज़ पे लग गया, ठीक है, ये यहाँ से फिंगर से हमारे टच रिसेप्टर्स आए, ठीक है, नर्व फाइबर के थ्रू उसने सिग्नल्स भेजे सेंसरी एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से एक और न्यूरॉन के साथ उसने रिले किया, ठीक है, और उसने जाकर मोटर एंटीरियर वाला जो है वो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का वो मोटर रिस्पॉन्स कराता ना, तो वहाँ पर गया, ठीक है। वहाँ से ये एक रिले इंटर न्यूरोन, इसको रिले न्यूरोन कहते हैं, फिर एक और मोटर न्यूरोन निकला, ठीक है, और वो गया हाथ के मसल्स के पास जहाँ पर भी गए, ठीक है, और हमारा जो हाथ है वो विड्रॉ हो गया उस पेनफुल हीट वाले स्टिमुलस से, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है, विच इज़ इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ डिमांड मेड बाय सेंसरी स्टिमुलेशन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई, ठीक है, जो कि सोचे समझे बगैर फॉरन मूवमेंट हो गई, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जिसने हमें बर्निंग से बचाया, ठीक है। और दूसरा क्या कि ये इनिशिएट हुआ किससे, एक सेंसरी स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स पे, कि हीट जो थी पेनफुल स्टिमुलस या जो टेम्परेचर स्टिमुलस था वो एक सेंसरी स्टिमुलस था ना, ठीक है। तो ये आपको रिफ्लेक्स मूवमेंट इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये आप एक तो होता है सेंसरी पाथवे जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हुई है हमने विड्रॉ कर लिया था अपना हैंड उस पेनफुल स्टिमुलस से या गर्म स्टिमुलस से, ठीक है, विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये एक इनहिबिटरी मूवमेंट हुई, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल आए थे कि तुम अपनी ये जो मूवमेंट कर रहे हो उसके ऊपर रखने वाली बंद करो, ठीक है। तो जब हम विड्रॉ करते हैं हमारे मसल्स जो हैं ये जो उंगलियां जो हैं उस पर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वैसे विड्रॉ हो गई, तो ये एक इनहिबिटरी स्टिमुलस हुआ, ठीक है, इसलिए है इनहिबिटरी मूवमेंट, ठीक है। तो अब दूसरी एक दूसरा जो होता है वो है मोटर रिस्पॉन्स। अब ये जो यहाँ से लेके जो एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड से फिंगर्स तक गया था, ठीक है, ये वाला ये था एक मोटर रिस्पॉन्स और ये मोटर न्यूरोन था। तो इसमें जो हमने पढ़ना है वो असल में पढ़ना है नर्वस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ये सेंसरी वाला आपको सिर्फ एक ताकि एक सीक्वेंस से बात समझाई जा सके इसलिए बताया था, रिफ्लेक्स मूवमेंट अच्छे से समझ आ सके इसलिए बताया था, ठीक है। तो अब नर्वस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट कैसे होता है, अब मूवमेंट जब हमने मोटर जो मूवमेंट का कंट्रोल करना होता है तो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से या फिर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे जाते हैं, अगर ब्रेन से भी आ रहे हैं वो या तो डायरेक्ट मसल्स तक जाएंगे या फिर वो स्पाइनल ब्रेन से आके स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, वहाँ पर एंटीरियर हॉर्न सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ से उनके साथ साइनैप्स करेंगे, ठीक है, और एक नया न्यूरॉन जो है वो निकलकर मसल फाइबर्स को जाकर सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ फाइबर्स जो हैं मोटर यूनिट्स जो हैं वो इनहिबिटरी होते हैं कि उन्होंने मूवमेंट को मसल की कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करवाना होता है, कुछ एक्साइटेटरी होते हैं उन्होंने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, इनहिबिटरी मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करवाना और एक्साइटेटरी मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाना। अब हमें किस तरह की मूवमेंट चाहिए, किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है उसके मुताबिक हमारे जो इनहिबिटरी एक्साइटेटरी सिग्नल्स जो हैं वो काम करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम जस्ट वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और वॉकिंग करते करते हम रोड पे चल रहे हैं, आगे हमारे सामने एक पत्थर आ गया बड़ा सा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए ताकि हम गिर ना जाएं उस पत्थर से टकरा के। तो अब हम वॉक कर रहे थे तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे जो मसल्स थे जो कि हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सी फ्लेक्सर्स और हिप नी फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स उनको जो उन मसल्स को
जो सिग्नल आ रहे थे वो एक्साइटेटरी सिग्नल से, ठीक है, और एक्साइटेटरी मूवमेंट हुई थी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, हम वॉक कर रहे थे, लेकिन जब एक स्टोन आ गया हमारे आगे तो फिर क्या हुआ, अब इनहिबिटरी सिग्नल्स प्री डोमिनेट हो गए, इनहिबिटरी सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो गई, ठीक है, और हम जो है हमारे मसल्स को इनहिबिटरी सिग्नल्स मिले और इनहिबिटरी मूवमेंट होगी, मतलब कि मूवमेंट इनहिबिट हो गई, मूवमेंट खत्म हो गई और हम रुक गए, हमारे जो प्लांटर फ्लेक्सेस थे, डोसी फ्लेक्सेस थे, नी फ्लेक्सेस, नी एक्सटेंसेस थे, उनको इनहिबिटरी में सिग्नल्स मिले और उनकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, इस तरह से हम रुक गए और इस तरह से हम फॉल से बच गए। तो इस तरह से सिनेरियो के मुताबिक इनहिबिटरी सिग्नल्स या एक्साइटेटरी सिग्नल्स जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे वो प्री डोमिनेट करेंगे, हमारे ब्रेन जो है वो उतनी ज़्यादा वो इंपल्सिस इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी इंपल्सिस डिस्चार्ज करेगा, और जो ज़्यादा इन दोनों में से डिस्चार्ज हो रहे होंगे वो वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप ये सारा समझ आ गया होगा। बाकी मोटर यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, इसमें जो न्यू बातें वो ये हैं कि ये फंक्शनल न्यूरो मस्कुलर सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, मोटर यूनिट। एक एमसीक्यू है कि अगर आए कि न्यूरो मस्कुलर सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है मोटर यूनिट, और ये एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये है ना कि एक नर्व फाइबर आकर मसल्स फाइबर्स को इनोवेट कर रहा है, ठीक है, और जब उसमें से सिग्नल्स आएंगे तो मूवमेंट जो है वो इनिशिएट होगी। AHC स्टैंड्स फॉर एंटीरियर होर्न सेल्स, और रिफ्लेक्स मूवमेंट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और वॉलंटरी मूवमेंट और रिफ्लेक्स मूवमेंट में यही फर्क है कि वॉलंटरी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है, हम खुद सोच समझ कर जब हम रुके, ठीक है, जब हम चल रहे थे और स्टोन आ गया और हम खुद सोच समझ के रुक गए कि मुझे रुक जाना चाहिए, तो हमने वॉलंटरी मूवमेंट की, ठीक है, हमारे ब्रेन से, या वॉलंटरी मूवमेंट में सीधा हमारे ब्रेन से सिग्नल आते हैं, और रिफ्लेक्स मूवमेंट में हमारे ब्रेन से नहीं स्पाइनल कॉर्ड से ही सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। और वॉलंटरी मूवमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कॉन्शियस एफर्ट टू परफॉर्म मूवमेंट, हमने कॉन्शियसली सोचा कि हमें रुक जाना चाहिए और हमने फिर एक मूवमेंट परफॉर्म की कॉन्शियसली सोचते हुए, इसमें हमारी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें हमारी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और इस तरह से हमारा जो टॉपिक है, यानी जो चैप्टर 2 है, एंड इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट, खत्म हो गया।